हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है। तो आप देख रहे हैं कॉर्बिन गेमिंग। तो आज बात होगी एक नए टॉपिक पे, तो जिसका नाम है भाई संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। तो दोनों एक दूसरे की आज पोल खोल रहे हैं, तो दिख ही रहा होगा आपको इस मतलब नई चीज में जो इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, 36 लाख रुपये मांगते हैं वहाँ पे वो। संदीप माहेश्वरी अपने वेबिनार के लिए 9 लाख रुपये ऐसे कुछ करके, और वहीं पर जब बात होती है विवेक बिंद्रा की, दोनों उनका जो हिसाब लगा कि किसी से 35 हज़ार रुपये लिया, किसी से 50 हज़ार रुपये लिया, बड़ा बिजनेस। उसमें वो सेल्समैन का कोर्स दे देते हैं और वही चीज़ें सिखाते हैं जो बाकी लोग इसे यूट्यूब पर फ्री में सिखाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो गेम इनका चल रहा है और काफ़ी सारे वीडियोज़ बन रहे हैं और देखा जा रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, और काफ़ी सारे चीज़ें हैं इसमें। विवेक बिंद्रा एंग्री, मतलब काफ़ी कंट्रोवर्सी है। तो सबसे टॉप पे जब मैं डाला विवेक बिंद्रा एक्सपोज, तो हिसाब से जो कंट्रोवर्सी आई है, तो यहाँ पे एक बंदे ने यहाँ पे वीडियोज़ ही बनाए कुछ, कैरी मिनाटी रिएक्ट, और काफ़ी कुछ हैं। तो सबसे पहले बात करें सबसे टॉप पे वीडियो, जैसे ये वीडियो, जैसे पी पॉय, इनकी वीडियोस देखते हैं। तो इन्होंने जो वीडियो बनाई Looking for a free project management tool with unlimited users and unlimited projects? Give Bitrix 24 a try. Bitrix 24 makes it easy to create a project timeline and distribute tasks. Projects in Bitrix 24 come with chats and discussion threads. जानू एक साइड से बोल दो और पूरा परसेप्शन चेंज कर दो बाजार में। 50,000 × 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए। ये लीगल नोटिसेज वाली जो बात है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मर जाता है, उसमें डिकोड मर जाता है, उसमें रैशनल मर जाता है, और वो मरे ना, इसलिए वीडियो करना जरूरी है। तो भारत की perspectives and perception assumptions can fail but not the logic and that is what we try to achieve in this video. इससे पहले हम 14 points के बारे में बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मदद करना चाहता हूं मेरे साथ ही एग्जिस्टिंग यूट्यूबर्स की। दी महेश्वरी से पूछा कि उन्होंने आपको इनवाइट क्यों नहीं किया, आप अकेले आते, उनकी उनकी टीम होती, वो होते, उनका कैमरा होता और आप सारे क्वेश्चंस का आंसर देते, बट वो आप देते, राइट विवेक? आपने वो अभी भी कर दिया, विच इज गुड, बिकॉज वट ही डिड वॉज नॉट टेकिंग योर नेम, वट ही डिड वॉज मेकिंग दैट एंटायर कॉन्वर्सेशन इन टू अ सोशल अवेयरनेस वीडियो। एंड आई थिंक अगर उसके बाद अगर आपको लगता कि आपको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी, तो आप इस सारे वीडियो में आके दे सकते थे। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि बहुत टाइम से आपको ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए थी। आपको पता है कि लोग अंदर खाने, इतने लोग कंप्लेन कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको शायद नहीं पता कि हमारे जैसे क्रिएटर्स को हर रोज मेल आते हैं बड़ा बिजनेस के बारे में, बट हम लोग बोलते नहीं है, बिकॉज हमें 5 करोड़ का नोटिस आ जाएगा, जैसे आपने 2 साल पहले दिया था। तो अगर संदीप महेश्वरी ये नहीं करते तो फिर कैसे बात बाहर आती और कैसे आप ये क्लैरिफिकेशन देते हैं? तो आई वुड से आई विल स्टिल बी बहुत लोगों को, मतलब उसके काम अच्छे भी हैं, कुछ चीज़ें खराब भी हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन अच्छी अच्छी ज़्यादा हैं, आसान है। जैसे कैरी मार्टिन ने भी रोस्ट किया था उसको, और भाई कुछ यूट्यूबर्स ने अच्छी खासी वीडियोस बनाई और अच्छे खासे व्यूज़ भी लिए हैं इस वीडियोस पे, और वही हम भी कर रहे हैं। एक्सपोज एक्सपोज तो एक ही वीडियो है, वही हर जगह चल रही है भाई। तो अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर किसी मतलब ऐसे उलू जुलू चीज़ों में पढ़ रहे हैं, तो ना पढ़ें, किसी को पैसे दे के काम सीखना, ये कौन सी बात होती है? काम सीखने के लिए आपका यूट्यूब इतनी बड़ी कम्युनिटी है, अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो कोड भी धैर्य है, आपके टेलीस्कू हैं, उसके बाद बहुत सारे पढ़ो, अपना कॉलेज है। वहीं आप अगर दूसरी फील्ड से हो, टेक को छोड़ के नॉन टेक में हो आप, तो उसका काम भी आप सीख सकते हो। बहुत सारी मूवीज़ है यूट्यूब में, मतलब लर्निंग प्लेटफॉर्म में यूट्यूब से अच्छा कुछ भी नहीं है इस समय, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ फ्री में सकते हो, यहाँ तक फ्लिक्स वाले के सीईओ को फाउंडर, उन्होंने तक ये बात बोला कि अब यूट्यूब में सब कुछ फ्री है। कुछ लोग चूतिया बनते हैं और कोर्स खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ हमने कुछ अलग कर दिया, कोई कोई अलग नहीं करता है, सबका वही सेम चल रहा है। तो ऐसी हरकतें ना करें, पैसा बर्बाद ना करें भाई, फ्री का नहीं आता, सबकी अपनी कमाई कमाई है। इस बंदे को देख लो, ये बंदा खाली न्यू घर ले लिया, कुछ कर लिया, फिर स्टूडियो अलग, मतलब व्लॉग बना के कमा रहा है, क्या ज़रूरत है यार फालतू जगह पैसा लगा के? टैलेंट होना चाहिए, बाकी आप लोग को ट्रेंड में लाना है तो थोड़ा सा कंटेंट दे देते हैं। धन्यवाद।